तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में सब लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन का जितना टेस्ट होता है वो देखेंगे और उसका थोड़ा बहुत देखेंगे डिटेल में, और मेरा नोट्स जो लोग लिए हो उसमें थोड़ा सब कुछ मिल जाएगा। इसे मैं थोड़ा करके बताऊंगा और मेन जो चीज़ बताऊंगा, मेनली मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ एमसीक्यू के लिए, ठीक है। मतलब टोटल थ्योरी को छोटा करके मैं बताऊंगा और उसका ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, और वो ट्रिक्स के जरिए आप कोई भी एमसीक्यू का आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डीसी मशीन का टेस्टिंग, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं टेस्ट क्यों किया जाता है। कोई भी मान लो डीसी मशीन है उसका टेस्ट क्यों किया जाता है। देखिए, सब कुछ होता है पैसों के लिए, ठीक है। सब कुछ ऑल फॉर मनी, ठीक है। सब कुछ पैसा के लिए होता है। तो क्या होता है, कोई भी एक मशीन आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, ठीक है, मोटर हो या जनरेटर हो, तो आप उसका क्या देखेंगे, आउटपुट देखेंगे। आउटपुट से काम है आप, आउटपुट मतलब कितना कम इनपुट में आपको आउटपुट ज्यादा मिले, आपको यही देखना है, ठीक ना। आउटपुट आपको ज्यादा मिले कितना कम आउटपुट में, तो जितना कम आउटपुट में जितना आउटपुट ज्यादा मिलेगा वो होगा उतना एफिशिएंसी। मतलब बात वही आ रहा है कि पैसा कम देना है मुझे लेकिन मुझे एफिशिएंसी ज्यादा चाहिए, मतलब आउटपुट ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो कौन सा मशीन का कितना एफिशिएंसी है यही हम लोग टेस्ट करते हैं डीसी मशीन टेस्ट में, ठीक है। और उसका जो टेस्ट का जो तरीका है बहुत अलग अलग तरीका है। उसमें देखिए, उसमें मेनली जो है एफिशिएंसी मेन टारगेट रहेगा, उसका एफिशिएंसी टेस्ट करें, और एफिशिएंसी को इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस, लॉस की फॉर्म में मेजर करेंगे एफिशिएंसी को। और डायरेक्ट टेस्टिंग मेथड है, इनडायरेक्ट टेस्टिंग मेथड है, ठीक है। लॉस और एफिशिएंसी क्यों, देखिए लॉस और एफिशिएंसी में मतलब रिलेशन क्या क्या है। देखिए, हम एक ये मान लीजिए एक मशीन है, यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है, तो बीच में कौन है, लॉस है, ठीक है। लॉस है इसीलिए ये जो एफिशिएंसी है कभी 100% नहीं हो पाता है लॉस के वजह से। कोई भी प्रैक्टिकल मशीन में लॉस रहेगा ही रहेगा। अगर मान लो कि मशीन आइडियल है, ठीक है, मतलब वास्तव में उसका कोई संबंध नहीं है, मतलब वास्तव में वो मशीन नहीं है, ठीक है, जिसका लॉस ना हो, तो इसलिए लॉस तो होगा ही होगा। तो एफिशिएंसी कैसे मापा जाता है, देखिए एफिशिएंसी होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 100 वाट, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि लॉस हो रहा है 20 वाट, और यहाँ पे आउटपुट कितना मिलेगा 80 वाट। तो 80 वाट मुझे कैसे मिल रहा है, 100 वाट माइनस 20 वाट। तो 100 वाट क्या है, इनपुट है, और 20 वाट क्या है, लॉसेस है। तो हम लोग यही बता सकते हैं आउटपुट इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस, उल्टा भी बता सकते हैं इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस। तो एक लॉस जो है, देखिए फैक्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है इनपुट आउटपुट और एफिशिएंसी के बीच में। तो एफिशिएंसी का और एक फॉर्मूला हो सकता है, एफिशिएंसी इक्वल टू ऐसा भी हो सकता है इनपुट आउटपुट की जगह इनपुट माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आप बात करते हैं टोटल जो टेस्ट है कौन सा टेस्ट है और सारे टेस्ट कैसे याद रखा जाए, वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला जो टेस्ट है, देखिए पहले दो मेथड में बताया, एक डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट आप एफिशिएंसी निकाल लोगे, और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट एफिशिएंसी नहीं निकालेंगे, पहले लॉस निकालेंगे फिर उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे। देखिए मैं डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा, डिटेल बताने जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा नोट्स जो लोग लिए हो वहाँ पे थ्योरी में अच्छे से समझा दिया हूँ, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, और कोई बुक है तो बुक में देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे ओनली ओवरव्यू बताऊंगा और कैसे याद रखना है वो बताऊंगा, ठीक। और देखिए डायरेक्ट जो एफिशिएंसी निकालना है उसमें ब्रेक टेस्ट आ जाएगा, और इनडायरेक्ट में बहुत सारा टेस्ट आ जाएगा, नो लोड लॉस टेस्ट, फुल लोड लॉस टेस्ट, स्ट्रे लॉस टेस्ट, बहुत सारा लॉस टेस्ट होगा। इसका बहुत सारा जो साइंटिस्ट है उसका
वो डिस्कवर किया था इसको, उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया, कोई स्विनबर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट हो गया। तो आगे जाके देखते हैं क्या क्या टेस्ट है। तो पहले जो टेस्ट डिस्कस करेंगे वो है मान लीजिए कि ब्रेक टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट, ब्रेक टेस्ट। तो ब्रेक टेस्ट में मैं छोटा छोटा करके बता दूंगा, मतलब ओनली ओवर बता दूंगा क्या क्या होता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा ऐसा फुली रखा जाता है। और ब्रेक टेस्ट में बता देता हूँ, ब्रेक टेस्ट जो है ओनली होता है छोटा छोटा मशीन के लिए, ठीक है, स्मॉल मशीन, स्मॉल मशीन के लिए होता है। किसी बुक में दिया 5 HP, किसी बुक में है 6 HP, किसी बुक में दिया हुआ है 5.5 HP, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो 5-6 HP के अंदर ही रहता है ये जो ब्रेक टेस्ट रहता है, सारे छोटा मशीन में होता है। छोटा मशीन में क्यों होता है बता रहा हूँ, देखिए छोटा ब्रेक टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक पुली रहता है, पुली में मतलब कोई भी मशीन का पुली रहता है, मोटर हो या जनरेटर हो। तो मेनली ये जो ब्रेक टेस्ट है मोटर का किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेल्ट देखें, यहाँ पे मान लीजिए कि दो स्प्रिंग लगा रहता है, ऐसा ऐसा स्प्रिंग लगा के ऊपर हुक में यहाँ पे सेट कर देता है। और तो स्प्रिंग लगा रहता है ये बैलेंसिंग के लिए लगा रहता है, S1 S2 मान लो यहाँ पे, और यहाँ पे जो हुक लगा रहता है H1 H2। तो यहाँ पे जो नेट आउटपुट निकलता है H1 - H2 में जितना मतलब टेंशन आएगा वही आता है इसका आउटपुट। तो इसी हिसाब से कितना यहाँ पे ब्रेक लग रहा है उसका एफिशिएंसी निकल आता है, ठीक है। तो इसका डिटेल में देख लीजिएगा, मेरा जो नोट्स में है मैं बता दिया हूँ, लॉस भी बता दिया हूँ कैसा कैसा होता है, और एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे चीज़ उसे बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये मेनली पुली है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स लगा के H1 H2 का फोर्स लगा के ये जो घूम रहा है ये पुली, इसको बंद करना है, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिकली फोर्स के बंद कर रहा है, मतलब ब्रेक लगा रहा है इसमें पुली में, ठीक है। तो इसी के लिए इसका नाम पड़ गया ब्रेक टेस्ट, ठीक है। और ये देखिए ये बड़ा मशीन में करेंगे तो बड़ा मशीन का जो टॉर्क होगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होगा। तो यहाँ पे बेल्ट दे के ये करना बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। और इतना बड़ा बड़ा स्प्रिंग भी चाहिए, बड़ा बड़ा हुक चाहिए, मतलब सारे अरेंजमेंट जो है बड़ा मशीन के लिए नहीं हो पाएगा अरेंजमेंट। और अरेंजमेंट कर भी लेगा तो अगर टेस्ट करते वक्त कुछ मतलब फैटल वैटल हो सकता है, मतलब एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा मशीन में इसलिए नहीं करते इसको ब्रेक टेस्ट को, ओनली छोटा मशीन में किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट किस लिए मेजर करता है, ओनली एफिशिएंसी के लिए, एफिशिएंसी के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं, ब्रेक टेस्ट के बाद जो टेस्ट आ रहा है वो आ रहा है स्विनबर्न टेस्ट। तो स्विनबर्न टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो स्विनबर्न टेस्ट एक बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्विनबर्न टेस्ट एक बार देख लेते हैं, स्विनबर्न टेस्ट जो है देखिए स्विनबर्न टेस्ट है इनडायरेक्ट टेस्ट, ठीक है। और जेम्स स्विनबर्न, मैं बता दिया था जो साइंटिस्ट है ये लोग, जेम्स स्विनबर्न, ठीक है, जेम्स स्विनबर्न बोल के एक साइंटिस्ट, तो वो ये टेस्ट को डिस्कवर किया था। तो उसी के नाम पे ये टेस्ट का नाम पड़ गया कि स्विनबर्न टेस्ट, ठीक है। और कुछ नहीं है, स्विनबर्न नाम देखे घबराना नहीं है, और ये काफ़ी मशहूर है, मतलब काफ़ी पॉपुलर है स्विनबर्न जो है ये टेस्ट। और ये जो टेस्ट किया जाता है ओनली किया जाता है कांस्टेंट फ्लक्स मशीन में किया जाता है। और कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कौन सा है, एक है सांट मशीन है और एक है कॉम्पाउंड मशीन है। सीरीज मशीन में इसको नहीं किया जाता है स्विनबर्न टेस्ट को, ठीक है। और स्विनबर्न टेस्ट जो है किसके लिए होता है, इसके जरिए हम लोग नो लोड लॉस मेजर करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको नो लोड टेस्ट भी बोल सकते हो स्विनबर्न टेस्ट को, लेकिन ये स्विनबर्न ये डिस्कवर करते हैं इसका नाम पड़ गया स्विनबर्न टेस्ट। नो लोड लॉस मेनली देखने के लिए यूज होता है स्विनबर्न टेस्ट। और स्विनबर्न टेस्ट में देखिए मशीन को एज ए मोटर और जनरेटर कुछ भी करके यूज कर सकते हो, मतलब स्विनबर्न टेस्ट में, ठीक है। और स्विनबर्न टेस्ट में क्या क्या नो लोड लॉस और नो लोड लॉस में क्या क्या आ रहा है, देखिए नो लोड लॉस में क्या क्या आ रहा है। नो लोड लॉस में आ रहा है आयरन लॉस और विंडेज फ्रिक्शन विंडेज लॉस, और एक चीज आ रहा है जो आर्मेचर को पल्लेस, ठीक है। तो नो लोड लॉस में इतना ये तीन चीज आ रहा है, ये तीन चीज में मेजर करने के लिए यूज होता है स्विनबर्न टेस्ट। तो आप देखेंगे हॉपकिंसन टेस्ट, ठीक है। तो हॉपकिंसन टेस्ट का भी दो तीन नाम है,
तो इसका नाम, इसको बोलते हैं अलग नाम से भी इसको जाना जाता है, क्या क्या है? रीजेनरेटिव टेस्ट, बैक टू बैक टेस्ट, और है हिट रन टेस्ट। तो क्यों ऐसा नाम आ गया है, तो आगे देखेंगे क्यों ऐसा नाम दिया गया है इसको। तो सारे नाम का मीनिंग है, इसीलिए दिया गया है। तो हॉपकिंसन टेस्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, दो सेम रेटिंग का मशीन, ठीक है, एक एज ए मोटर, एक एज ए जनरेटर, दोनों क्या करते हैं, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कपल कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए दो मो एक मोटर है, एक जनरेटर है, तो दोनों को मैकेनिकली यहाँ पे कपल कर दिया और इलेक्ट्रिकली भी कपल कर दिया। इलेक्ट्रिकली कपल क्या होता है, मान लीजिए कि ये मोटर है, मोटर मतलब मोटर में क्या करना पड़ता है, बाहर से सप्लाई देना पड़ता है, ठीक है, बाहर से सप्लाई देना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई। तो ये जो सप्लाई देना पड़ता है, और जनरेटर में क्या होता है, बाहर से इसको प्राइमर से घुमाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पैदा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पैदा हो रहा है मान लीजिए, ठीक है। तो ये इसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, यहाँ पे मोटर में लगा देते हैं, सेम रेटिंग का मशीन है, मोटर में लगा देते हैं, और मोटर घूमता है, मोटर क्या करता है, इसको घुमाता है, तो मोटर क्या होता है, जनरेटर का पाई मूवर का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है मैकेनिकल कपल है, मतलब मोटर जो है जनरेटर का प्राइम मूवर है, और इलेक्ट्रिकल कपल है मतलब मोटर का जो सप्लाई चाहिए वो जनरेटर इसको फिट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कनेक्शन करते हैं। एक चीज़ बताइए, मान लीजिए कि बाहर से हम लोग जनरेटर को प्राइम मूवर से घुमा के यहाँ पे प्राइम मूवर को काट कर लेते हैं, ठीक है। तो तब क्या होता है, देखिए यहाँ पे जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी मोटर में दे रहा है, मोटर क्या कर रहा है, घूम रहा है, और मोटर घुमा जनरेटर को घुमा रहा है, तो हमारा यहाँ पे प्राइम मूवर का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मोटर का जो चाहिए जो जनरेटर दे रहा है, और जनरेटर का जो चाहिए वो मोटर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितना देर तक चलेगा, अगर आइडियल मशीन होता, ठीक है, दुनिया में कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, अगर मान लीजिए मोटर और जनरेटर दोनों आइडियल होता, आइडियल मतलब लॉस इक्वल टू जीरो, ठीक है, जो पॉसिबल नहीं है, तो अगर आइडियल होता, लॉस नहीं होता, तब क्या होता, ये मशीन जो है दोनों जिंदगी भर चलता रहता कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्या होगा, मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ, जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो मैं यूनिट जो वाट पे दिखाता हूँ, क्योंकि वाट जो है मैकेनिकल एनर्जी का यूनिट भी वाट होता है, इलेक्ट्रिकल का भी, मान लीजिए जनरेटर में जो एनर्जी आ रहा है वो मान लीजिए कि 100 वाट, ठीक है। तो फिर क्या, 100 वाट को मोटर में यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, मोटर का इनपुट जो है 100 वाट लगा दिया, मोटर क्या कर रहा है, मोटर में थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सारे लॉस मिला के मान लीजिए कि 10 वाट का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या इसका आउटपुट कितना आ रहा है मोटर का, ये आ रहा है 90 वाट, फिर 90 वाट जनरेटर को दे रहा है इनपुट, फिर जनरेटर में थोड़ा लॉस हो रहा है मान लीजिए, इसका भी मान लीजिए 10 वाट लॉस हो रहा है, तो ये फिर क्या कर रहा है, 80 वाट इसका आउटपुट आ रहा है, फिर आउटपुट यहाँ पे 80 वाट दे दिया, फिर 10 और लॉस हो गया, तो यहाँ पे 70 वाट, तो ऐसे होता चला चला जाएगा, ठीक है। धीरे 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 पावर घटता जाएगा, जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे ऐसे क्या होगा, स्पीड कम होता रहेगा, फिर एक टाइम पे धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ठीक है, पूरा स्टॉप हो जाएगा। तो हॉपकिंसन टेस्ट ऐसा है कि बाहर से जो मतलब इनको कंटिन्यूअस रन कर रहा है दोनों मशीन को, तो कंटिन्यूअस रन करने के लिए जो लॉस हो रहा है हमारा, ठीक है, जो धीरे धीरे लॉस होता रहा है सब हर बात, जो 10 वाट का लॉस हो रहा है, ये लॉस को बाहर से सप्लाई दे रहा है, ठीक है, लॉस को बाहर से कॉम्पेंसेट कर रहा है। तो बाहर से जितना सारा मतलब देना पड़ रहा है, जितना पावर बाहर से देना पड़ रहा है कॉम्पेंसेट करने के लिए, लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है, तो वो वैल्यू तो हम लोग को पता है, और वो वैल्यू क्या है, जो जनरेटर मोटर का लॉस है। तो ऐसे ही लॉस पता चल जाता है, तो इसी टेस्ट को बोलते हैं हॉपकिंसन टेस्ट। आप देखते हैं, देखिए रीजेनरेटिव टेस्ट क्यों बोलते हैं, रीजेनरेट कर रहा है, देखिए पहले जेनरेट हो रहा था,
फिर उसको मोटर के दे, मोटर दे रहा है, मोटर फिर प्राइम मूवर इसको घुमा रहा है, फिर इसमें जनरेट हो रहा है, फिर इसका लॉस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो मतलब रिपीटेड जनरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रीजनरेटिव इसका नाम दे दिया। और बैक टू बैक टेस्ट क्यों नाम दे दिया, देखिए बैक टू बैक टेस्ट मतलब जनरेटर का पीछे मोटर है, मोटर का पीछे जनरेटर है, बैक टू बैक लगा हुआ है। और ऐसे ही बता सकते हो जनरेटर का जो फीड है, मतलब जनरेटर का जो इनपुट है मोटर का आउटपुट है, मोटर का जो आउटपुट है जनरेटर का इनपुट है। तो इसीलिए हॉप मतलब बैक टू बैक टेस्ट भी इसको बता सकते हो। और क्या है, देखिए हीट रन लॉस, हीट रन लॉस मतलब क्या होता है, जो भी लॉस हो रहा है, लॉस हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो दोनों मशीन को हम रन कर रहे हैं और जो लॉस हो रहा है बाहर से फीड कर रहे हैं, और लॉस जो है हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हीट रन टेस्ट, रनिंग के द्वारा जो हीट पैदा हो रहा है जो टेस्ट में, तो हीट रन टेस्ट भी इसको बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये चारों नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। और हॉपकिंसन टेस्ट में मेनली क्या देखा जाता है, मतलब क्या हर चीज़ में तो मतलब एफिशिएंसी देखा जाता है, इसमें जो है जो देखा जाता है फुल लोड लॉसेस देखा जाता है, ठीक है। तो फुल लोड लॉसेस मेजर करने के लिए हम लोग हॉपकिंसन टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या मतलब इसमें मेजर होता है, और इसमें कंडीशन पूछ लेता है कि मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कपल रहता है इसमें, ठीक है, ये भी पूछ लेता है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद रह जाएगा, और लास्ट में देखेंगे कौन सा टेस्ट के लिए कैसे याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे रिटार्डेशन टेस्ट। रिटार्डेशन टेस्ट उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कभी कभी रिटार्डेशन टेस्ट भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और रिटार्डेशन टेस्ट का दूसरा और एक नाम है जो है रनिंग डाउन टेस्ट। रनिंग डाउन टेस्ट तो क्यों रनिंग डाउन टेस्ट बोलते हैं, तो लबाद में देखेंगे, पहले देखते हैं रिटार्डेशन टेस्ट। तो रिटार्डेशन टेस्ट में देखिए ओनली ओवरव्यू देख लेते हैं, इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ठीक है। तो ये ओनली जो होता है, मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ओनली जो होता है सांड मशीन में होता है, ठीक है, ओनली सांड मशीन के लिए ये टेस्ट होता है। और इसमें जो मेजर किया जाता है स्ट्रे लॉस, स्ट्रे लॉस मेजर किया जाता है। और ट्रे लॉस में क्या क्या लॉस आ रहा है, देखिए ट्रे लॉस में आ रहा है फ्रिक्शन लॉस, सेकेंड आ रहा है विंडेज लॉस, थर्ड आ रहा है आयरन लॉस, ठीक है। मेनली ये तीन लॉसों को स्ट्रे लॉस बोलते हो। तो रिटार्डेशन टेस्ट द्वारा, ठीक है, रिटार्डेशन टेस्ट द्वारा यही लॉस देखा जाता है, तीन लॉस, तो उसी हिसाब से इसका एफिशिएंसी भी देखा जाता है, ठीक। तो इसका प्रोसेस थोड़ा देख लेते हैं। मान लीजिए एक सांड मशीन और मोटर मतलब जनरेटर और मोटर कुछ भी हो, तो एक सांड है मशीन है, तो इसका नॉर्मल जो स्पीड है मान लीजिए 1000 RPM, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, 1000 RPM से थोड़ा ज़्यादा, मतलब नॉर्मल जो स्पीड है उससे थोड़ा ज़्यादा, मतलब मान लीजिए कि 1050 RPM में इसको स्पीड बढ़ा देंगे। बढ़ा के क्या करेंगे, इसका इनपुट काट कर देंगे। इनपुट मतलब अगर मोटर हुआ तो मोटर का इनपुट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई काट कर देंगे। अगर जनरेटर हुआ तो उसका प्राइम मूवर जो है वो काट कर देंगे, ठीक है, काट कर देंगे। तब क्या है, ये मशीन जो है धीरे धीरे बंद हो जाएगा, लेकिन अचानक बंद नहीं होगा, ठीक है, अचानक बंद नहीं होगा, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड लेगा ये बंद होने में। तो धीरे धीरे बंद होता रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ बता देते हैं, तो इसका जो फील्ड एक्साइटेशन है उसको नॉर्मल रखते हैं, ठीक है, जो रिटार्डेशन टेस्ट में फील्ड एक्साइटेशन है उसको नॉर्मल रखते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं करते, उसको नॉर्मल रख देते। तब क्या होगा, देखिए ये जो 5 सेकंड या 10 सेकंड तक चलेगा, ठीक है, उसके बाद बंद होगा, ये 5 से 10 सेकंड चलेगा, ये जो है इसका जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, आर्मेचर का जो काइनेटिक एनर्जी है, आर्मेचर घूमता है एक्चुअली 5 से 10 सेकंड, तो आर्मेचर का जो काइनेटिक एनर्जी है ये कौन देता है, इसका स्ट्रे लॉस, ठीक है, स्ट्रे लॉस, मतलब उल्टा भी बता सकते हो, जो स्ट्रे लॉस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, जो आर्मेचर का काइनेटिक एनर्जी है उसको ओवरकम कर रहा है, ठीक है, इसीलिए ये चल रहा है, थोड़ा बहुत टाइम चलता है, ठीक है।
तुरंत नहीं रुक जाता है, तो इनर्शिया की वजह से। तो यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि काइनेटिक एनर्जी व आर्मेचर, ठीक है, उसको जैसे मैकेनिकल एनर्शिया बोलते हो तो वही है, मतलब कुछ देर तक चलता है जो, ठीक है, तो वही मेनली ओवरकम करता है स्ट्रे लॉसेस। तो वो जो लॉस हो रहा है, मतलब ये जो टेस्ट है उसको बोलते हैं रिटार्डेंट। इसके वजह से क्या होता है, जो स्ट्रे लॉस है वो मेजर कर लेते हैं हम लोग, फ्रिक्शन, वाइंडेज लॉस, आयरन लॉस, तीन, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जान लेना है। और रनिंग डाउन टेस्ट क्यों बोलते हैं आप पता चलेगा आपको, इसको रन करके छोड़ देते हैं तो ये धीरे धीरे डाउन होता चलता है इसका स्पीड, तो इसीलिए इसका बोलते हैं रनिंग डाउन टेस्ट। तो जो नाम है देखिए कोई भी टेस्ट का, तो नाम के अंदर ही उसका रुका, मतलब अंदर छुपा हुआ है उसका जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो यहाँ से और कुछ खास आने नहीं, मतलब रिटार्डेशन टेस्ट से स्ट्रे लॉस कौन सा मशीन के लिए होता है, ठीक है, यही दो चीज़ बस मतलब पूछ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और स्पीड वगैरह पूछ लेता है, कितना स्पीड रखा जाता है, क्या रखा जाता है, तो ये पूछ लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, है फील्ड टेस्ट, लास्ट में है फील्ड टेस्ट, और ज़्यादा टेस्ट कुछ है नहीं, तो मेन जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने क्या है फील्ड टेस्ट, तो फील्ड टेस्ट जो है बात में आपको पता चल गया है कि फील्ड को टेस्ट करते हैं, ठीक है, और फील्ड टेस्ट में क्या देखा जाता है, ये भी लॉस देखा जाता है, लॉस मेजर होता है सभी में, ठीक है। और फील्ड टेस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, ये ओनली होता है सीरीज मोटर के लिए, सीरीज मोटर या जनरेटर कुछ भी हो, मतलब सीरीज मशीन के लिए। ठीक है, तो पहले का जो था देखिए रिटार्डेशन टेस्ट जो था वो था ओनली साउंड मशीन के लिए, और ये जो है फील्ड टेस्ट जो है ओनली सीरीज मशीन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए जो देखा जाता है लॉसेस देखा जाता है, तो इसमें क्या करते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, दो सेम रेटिंग का मशीन, ठीक है, मैकेनिकली कपल कर देते हैं, नॉट इलेक्ट्रिकली, ठीक है। तो इसमें टू सिमिलर मशीन, तो रेटिंग सिमिलर है, इसको ओनली मैकेनिकली कपल कर देते हैं, ठीक है। इसमें ओनली मैकेनिकली कपल है, तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली मैकेनिकली कपल है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं पूछ लेता है, तो मैकेनिकल कपल ये याद रख लीजिए, और सीरीज मशीन के लिए होता है ये याद रख लीजिए, और लॉस मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये तीन चीज़ याद रख लीजिए फील्ड टेस्ट में, और कुछ नहीं टेस्ट करना, मतलब कुछ ये मतलब प्रोसेस थोड़ा वास्ट है, ठीक है, मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सब टेस्ट हो गया है, मतलब ओवरव्यू बता दिया हूँ, तो अभी मैं बताऊँगा कि कौन सा टेस्ट कैसे याद रखना है, ठीक है। मेन जो टॉपिक है, मेन टारगेट हम लोगों का है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो लास्ट में एक बार पूरा देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े इस वीडियो में। तो मैं जो नोट्स दिया हूँ पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें है ये सब कुछ, ठीक है, फिर मैं एक बार दिखा रहा हूँ क्या क्या है। देखिए पहला नंबर वन में बताया ब्रेक टेस्ट, ब्रेक टेस्ट का इंपॉर्टेंट क्या है याद रखना है एफिशिएंसी मेजर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दो नंबर में आ रहा है स्विनबर्न टेस्ट, ये क्या है मेजर करने के लिए, नो लोड लॉस। तो ये जो देखिए ब्रेक टेस्ट जो था ये डायरेक्ट टेस्ट था, ठीक है, और ये जो है इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं मैं बता दिया हूँ पहले, ठीक है, नो लोड लॉस। नंबर तीन भी आ रहा है ऑप्किंसन टेस्ट, तो हॉपकिंसन टेस्ट द्वारा फुल लोड लॉस। तो इनमें से ये दो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्विनबर्न टेस्ट और हॉपकिंसन टेस्ट। चार में जो आ रहा है रिटार्डेशन टेस्ट, रिटार्डेशन टेस्ट में क्या मेजर होता है, ओनली स्ट्रे लॉसेस। नंबर पाँच में कौन सा टेस्ट आ रहा है लास्ट में, फील्ड टेस्ट। बस यही टेस्ट पाँच याद रखना है आपको, तो पाँच में सारे क्वेश्चन हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाँच को कैसे ट्रिक्स द्वारा आप याद रख सकते हो, तो इसका जो देखिए
एक चीज मैं बता दें यहाँ पे, स्विनमन टेस्ट जो है, देखिए स्विनमन टेस्ट, सांट मेसिन, नो लोड लॉस, ठीक है। स्विनमन में एन है और यहाँ पे सांट मेसिन और नो लोड लॉस, तो एन है इसमें, स्विनमन में एन है, सांट में भी एन है, नो लोड में भी एन एन है, तो एन 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 आप याद रख सकते हो स्विनमन टेस्ट में, ठीक है। तो ये एक टिक्स वगैरह, छोटा वाला टिक्स, और पूरा का पूरा टिक्स कैसे याद रखना है, देखिए आप सीरियलिटी मेज़र करोगे, मतलब सीरियल मेंटेन करके पढ़ोगे तो जल्दी याद रहता है, ठीक है। तो इसका जो ट्रिकी सेंटेंस है वो है बॉस एच आर फ्रेंड, ठीक है। तो आप कहीं पे मान लो जॉब कर रहे हो, आप जब करोगे फ्यूचर में, तो वहाँ पे आपका कोई बॉस रहेगा, ठीक है, आप उसी के अंडर में काम करोगे, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी रहेगा उस कंपनी में, तो आपका बॉस और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो आपका बॉस के पास जाएंगे। तो दोनों क्या होता है, एचआर और बॉस दोनों आपस में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, मतलब तो आपको दोनों से कनेक्ट रहना है। तो ये दोनों क्या हुआ, फ्रेंड है वो आपस में, बॉस और एचआर दोनों आपस में फ्रेंड है, ठीक है। तो इस स्टोरी से आप याद रख सकते हो कि बॉस एचआर फ्रेंड, ठीक है। तो बॉस से देखिए, बी से ब्रेक टेस्ट, एस से स्विनमन टेस्ट, एच से हॉपकिंसन टेस्ट, आर से रिटार्डेशन टेस्ट, एफ से फील्ड टेस्ट, तो ये तो याद रह जाएगा। और यहाँ पे कैसे याद रखेगा, देखिए यहाँ पे आप एक बार रीडिंग दोगे, एफिशिएंसी, नो लोड लॉस, फुल लोड लॉस, स्ट्रे लॉस, लॉस, ठीक है। नो देखिए, एक दो बार आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा, एफिशिएंसी, नो लोड लॉस, फुल लोड लॉस, स्ट्रे लॉस, लॉस, एफिशिएंसी, नो लोड लॉस, फुल लोड लॉस, स्ट्रे लॉस, लॉस, तो ऐसे करके याद रख सकते हो आप, ठीक है। ये वाला सेंटेंस आप याद रख लीजिए और यहाँ का याद रख लीजिए, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे कि कौन सा टेस्ट से कौन सा चीज़ मेज़र किया जाता है, और ट्रिपल एन में आपको स्विनमन टेस्ट का सारे चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक इतना ही, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक कीजिएगा और कॉमेंट कीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए चलिए, धन्यवाद।